अमेरिका दे विच बैठे गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई दे हुक्मां ते चंडीगढ़ दे विच गोली चली है। दस दिए कि एक शख्स दे उपर बदमाशा दे वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां ने। हालांकि जदों बदमाशा दे वल्लों एक गोलियां चलाईयां गईयां तां तस्वीरां सीसीटीवी दे विच भी कैद होईयां ने। तां उस तों बाद तीनों हमलावर अपने सोशल मीडिया अकाउंट दे उत्ते लाइव भी होए ने अते जिस शख्स ते गोली चलाई है उसनों एक बार फिर तो जानो मारन की धमकी दी है। तो दस दिए कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दे विच एक गोलियां चलिया ने। डड्डू माजरा इलाके दे विच शरेआम एक गली च खड़ के पहला तो बदमाशां दे वल्लों हवाई फायर कढे गए ते उस तो बाद दे विच एक घर के उत्ते फायरिंग की गई है। हालांकि गनीमत रही है कि जिस शख्स के उत्ते गोलियां चलाई गई उसकी जान जो है वह वाल वाल बच गई है। तो जिस तो बाद ये तीनों हमलावर सोशल मीडिया से लाइव होंगे ने ते उन्होंने कहा कि उन्होंने वड्डे भरा अनमोल बिश्नोई जो कि अमेरिका दे विच है उसके हुक्मां दे उत्ते एक गोलियां चलाई गई ने। हालांकि जिस शख्स से गोलियां चलाई ने उसनों एक बार फिर तो इन्होंने जानों मारन की धमकी दी है। फिलहाल मौके दे उत्ते पुलिस नू इस संबंधी सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है तो जांच की जा रही है। तो गोलियां चलाउण दी तस्वीर सीसीटीवी दे विच भी कैद हुई ने। तस्वीर दे विच देखा जा सकता है कि पहला तो हवा दे विच फायरिंग की गई है तो उस तों बाद दे विच एक घर के उत्ते सीधा फायर मारे गए ने। मामला ये है कि जी मैं अपने किसी दोस्त के बेटे के जन्मदिन पर गया था जी 8 बजे शाम को और 10:55 में वहाँ से निकला। जैसे मैं निकला 4-5 जनों ने मुझे रोक लिया जी। एक्टिवा पे था मैं रेड कलर के ना, उन्होंने मेरे को रोका। उनको मैं बाई फेस और बाई नाम नेम जानता हूँ जी, ठीक है। मैंने पूछा बोलो, तो उनमें से दो बंदों ने पिस्तौल निकाल के मेरे सिर पे रखी। तो जैसे उन्होंने मेरे सिर पे पिस्तौल रखी तो मैंने चलाने लगे, तो मैंने उनके हाथ पे हाथ मार के वो पिस्तौल चली तो मेरे सिर के पीछे से गोली चली गई। ऐसे ही मैं उसी टाइम पीछे से उन्होंने मेरे को घेरने की कोशिश करी, मैं गिरता पड़ता वहाँ से दौड़ा और मेरे पीछे मैंने मुड़ के देखा पीछे से भागते हुए तो सौरभ फनोनी और साहिल ब्रेड वरुण जूम और बिल्लू नाम के 2-3-4 बंदे थे जी, और उनमें से 3 बंदों के हाथ में पिस्तौल थे और तीनों मेरे पीछे गोलियां चला रहे थे। और 2 अनपहचाते बंदे थे, मतलब कुल टोटल 7-8 जने थे जी। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थोड़ी? मेरी कोई रंजिश नहीं जी, पर वो मेरी झूठी कंप्लेंट देते हैं पहले कि भाई हमारा आपस में झगड़ा हुआ है। उसका डैडी है जी सतीश, जिसका नाम गोरखा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। उसने अपने लड़कों को बोला कि इसको मार दो, क्योंकि जब वो वहाँ से भागे और मेरे पीछे भागे तो वो बोलते रहे कि आज हमारे बाप ने बोला कि इसको मार दो, ये बचना नहीं चाहिए, ठीक है। और वो भागते भागते मेरे घर के पास तक आए। जब मेरे घर के पास आए तो मेरे घर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जी, उसमें भी वो क्लियर आ चुके जी। उन्होंने पिस्तौलों से यहाँ पिस्तौल दिखा के गोलियाँ चलाई जी। 2 पिस्तौल उनके पास थी और एक वो वाइट कलर की मोटरसाइकिल पर थी। वो कर देगी ये काम करते जी, वो नशा नुशा बेचने का काम करते जी, नशा करते भी और बेचते भी है। तो हूँ क्यों होया सवेर के 4 बज गए, 10 बजे की गल कर? 4 इसलिए बज गए जी, वो हमारे यहाँ के एरिया के SHO साहब आए थे। वो पहले तो आके मेरे को बोलने लगे कि कुछ नहीं हुआ यहाँ, तू झूठ बोल रहा है। उसके बाद जब हमने खुद अपने CCTV कैमरे की फुटेज उनको दिखाई तो वो कहने लगा कोई नहीं तू कंप्लेंट बना के दे। और मैंने जब कंप्लेंट बनाई तो जी 3 घंटे हो गए, वो अभी तक कोई मेरी कंप्लेंट लेने नहीं आया। और वो मेरे को बोल के चले गए भी कोई नहीं आ रहे कंप्लेंट लेने। तो मैंने उसके बाद SSP मैडम को फ़ोन किया, SP सर को फ़ोन किया, पर तब जाके मेरे पास कोई कंप्लेंट लेने आया। वो भी एक होमगार्ड को भेज दिया जी, वो मेरे घर आया कहता दे दे कंप्लेंट, कोई नहीं कहता हम अपने आप देखेंगे जो करना है।